देश के किसान का बुरा हाल है, किसान आत्महत्या कर रहा है। मोदी जी ने 2014 में किसानों का वोट लेते समय कहा था कि हर किसान को डेढ़ गुना लागत का दाम दिया जाएगा उसकी उपज का। 17 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में कहा था सबका साथ सबका विकास, सबका कर्जा माफ होगा, कुछ नहीं ऐसा किया उन्होंने। अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति, संघर्ष समन्वय समिति ने, जिसके 208 ऑर्गेनाइजेशन हैं, हमने दो बिल्स बनाए हैं जो हमारे साथी राजू शेट्टी ने पार्लियामेंट में रखे हैं, के राकेश ने पार्लियामेंट में रखे हैं। उन बिल्स में है सबको कर्जे से माफ करो, मुक्त करो, और दूसरा जो है डेढ़ गुना लागत का दाम स्वामीनाथन का दो। मोदी जी, आपने वायदा किया था, आपने पूरा नहीं किया। जीएसटी लागू करने के लिए आधी रात्रि में आपने विशेष सत्र बुलाया था। हम दिल्ली आ रहे हैं 29 और 30 नवंबर 2018 को हर कोने से देश के, आपको कहने के लिए आपने जो अपना वायदा किया था उसको निभाओ, एक विशेष सत्र बुलाओ और ये दोनों बिलों के ऊपर चर्चा कराओ और इनको पारित कराओ, जिससे किसान भी सांस ले पाए और देश की सेवा आगे भी कर पाए। अगर किसान खेती नहीं करेगा, बच्चे अगली बार खेती नहीं करेंगे, तो देश कहां से खाएगा। इसलिए हम देश से हम कहते हैं कि कुछ हमारे साथी नेशन फॉर फार्मर्स, कुछ हमारे डिफेंस के साथी, कुछ और साथी सब मिलकर हमारा साथ दे रहे हैं। हम चाहेंगे पूरा देश हमारा साथ दे और मोदी जी से कहें कि ये देश कृषि प्रधान देश है, कृषि क्या मर रहा है, इसकी मदद करो और ये बिल को पास करो।